नमस्कार विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जूल थॉमसन गुणांक। तो आज हम इस वीडियो में जूल थॉमसन गुणांक से संबंधित तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला बिंदु रहेगा जूल थॉमसन गुणांक की परिभाषा, दूसरा बिंदु रहेगा जूल थॉमसन गुणांक के लिए सूत्र स्थापित करना, और तीसरा बिंदु रहेगा वास्तविक गैसों एवं आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान कितना होता है। इन तीन बिंदुओं के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए जूल थॉमसन गुणांक की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, जूल थॉमसन गुणांक को हम म्यू जे टी नामक सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो जूल थॉमसन गुणांक को एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वह सूत्र देखो निम्न होता है, म्यू जे टी बराबर डेवा टी बटा डेवा पी कांस्टेंट एच। तो एच एच वो एंथैल्पी है। तो देखो, इस सूत्र के द्वारा हम जूल थॉमसन गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन की दर को जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। तो देखो, इसकी परिभाषा ये होगी, स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन की दर जूल थॉमसन गुणांक के बराबर होती है। दोबारा देखिए, स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन की दर जूल थॉमसन गुणांक के बराबर होती है। तो ये होगी जूल थॉमसन गुणांक की परिभाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब हम जूल थॉमसन गुणांक के लिए सूत्र स्थापित करते हैं। देखो, म्यू जे टी के लिए सूत्र स्थापित करना, तो देखिए एंथैल्पी हम जानते हैं कि एक अवस्था फलन है, यानी जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी का मान है वो निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, न कि निकाय के पथ पर। अर्थात एंथैल्पी एक अवस्था फलन है। माना कि एंथैल्पी दाब एवं ताप का फलन है, दाब एवं ताप का फलन है। यानी जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी को हमने ताप एवं दाब, प्रेशर एंड टेम्परेचर का फलन माना है। अतः एच बराबर एफ पी टी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एंथैल्पी को प्रेशर एंड टेम्परेचर का फलन माना है, दाब एवं ताप का फलन माना है। तो एच बराबर फलन पी टी। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण का अवकलन कर देते हैं, अवकलन
करने पर। अब देखो हम इसका आकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो dH बराबर डेवा H बटा डेवा P कॉन्स्टेंट T dP प्लस डेवा H बटा डेवा T कॉन्स्टेंट P dT। यानी हमने क्या किया है, इसका अवकलन कर दिया। तो जब इसका अवकलन करते हैं तो ये आता है, यानी dH बराबर डेवा H बटा डेवा P कॉन्स्टेंट T dP प्लस डेवा H बटा डेवा T कॉन्स्टेंट P dT। यानी एक बार हमने क्या किया, यहां टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख करके ये लिख दिया, दूसरी बार हमने प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख करके ये लिख दिया। तो देखो यहां डेवा एच बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी एक आंशिक अवकलज है जो कि स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। और इसी प्रकार से डेवा एच बटा डेवा टी कॉन्स्टेंट पी यह भी एक आंशिक अवकलज है जो कि स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। तो यह समीकरण नंबर एक मान लो। ठीक, अब देखो हम जानते हैं कि स्थिर एंथैल्पी हम जानते हैं कि स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर है वह सीपी के बराबर होती है। यानी हम जानते हैं कि डेवा एच बटा डेवा टी कॉन्स्टेंट पी बराबर सीपी होता है, समीकरण नंबर दो। यानी स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर सीपी के बराबर होती है। सीपी है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। यानी एक पूर्व वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि ऊष्माधारिता दो प्रकार की होती है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, यानी सीवी और सीपी। तो यहां सीपी है वह है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, यानी स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर सीपी के बराबर होती है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, समीकरण दो से यानी डेवा एच बटा डेवा टी कॉन्स्टेंट पी का मान है वो समीकरण एक में रखते हैं। तो देखो समीकरण दो से मान समीकरण एक में रखने पर, यानी इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, इसकी जगह हम सीपी लिख देते हैं, तो देखो क्या आ जाता है, डी एच बराबर डेवा एच बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी डी पी प्लस। अब देखो यहां क्या आ जाएगा, यहां सीपी आ जाएगा, तो सीपी डी टी, ये समीकरण नंबर मान लो आप तीन। ठीक, आगे देखो, तो अब देखो जो जूल थॉमसन इफेक्ट होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, अतः जूल थॉमसन इफेक्ट में डीएच का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट में, क्योंकि जूल थॉमसन इफेक्ट एक आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होता है जहां जो गैस की एंथैल्पी है वो कांस्टेंट रहती है, तो जूल थॉमसन इफेक्ट में डीएच बराबर जीरो होता है।
ठीक। तो जब डीएच बराबर जीरो है तो इस समीकरण के अंदर रख दो डीएच का, डीएच इसके जीरो रख दो तो यह आ जाता है देखो जीरो बराबर डेवा एक्स बटा डेवा पी कॉस टेन टी, डेवा एक्स बटा डेवा पी कॉस टेन टी डीपी प्लस सीपी डीटी, सीपी डीटी। अब इसको पक्षांतर करके सरल कर दो तो इसको पक्षांतर करने तब क्या आ जाता है देखो डेवा एक्स बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी डीपी बराबर माइनस सीपी डीटी, यानी पक्षांतर करके हम सीपी डीटी को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है। अब देखो इसको सरल करते हैं तो इसको सरल करते हैं तो देखो हम क्या करते हैं डीपी को इधर ले जाते हैं और सीपी को इधर ले आते हैं तो ये आ जाता है देखो इस डीटी के पक्ष में डीपी इधर ले जाते हैं देखो तो ये आ जाता है देखो डेवा पी बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट एच, यानी एंथैल्पी कॉन्स्टेंट है यानी हमने क्या किया इस डीपी को इधर ले गए तो डेवा टी बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट एच, अब सीपी को इधर ले आते हैं तो माइनस एक बटा सीपी, अब यहां क्या आ जाएगा डेवा एच बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी, डेवा एच बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी। अब देखो स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन की दर है वो जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बराबर होती है तो इसके स्थान पर हम लिख देते हैं जूल थॉमसन गुणांक, तो म्यू जे टी बराबर क्या हो जाता है माइनस एक बट्टा सीपी डेवा एच बट्टा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी, यही जूल थॉमसन गुणांक का सूत्र होता है, यानी जूल थॉमसन गुणांक बराबर क्या आ गया माइनस एक बट्टा सीपी डेवा एच बट्टा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी, जहां सीपी है वो है स्थिर आय सॉरी स्थिर दाब पर, सीपी है स्थिर दाब पर उष्मा धारिता और ये एक आंशिक अवकलज है जो कि स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है तो जूल थॉमसन गुणांक बराबर होता है माइनस एक बटा सीपी डेवा एच बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी, तो ये जूल थॉमसन गुणांक के लिए सूत्र हो गया। ठीक, देखो एकदम सिंपल है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। पहले हमने क्या किया कि हम जानते हैं कि एंथैल्पी एक अवस्था फलन है। ठीक, अब हमने क्या किया एंथैल्पी को दाब एवं ताप का फलन मान लिया, तो जब हम एंथैल्पी को दाब एवं ताप का फलन मानते हैं तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एच बराबर एफ पी टी, यानी जो एंथैल्पी है जो एच है वो पी व टी का फलन है। अब हम इसने इसका अवकलन कर दिया तो इसका जब अवकलन आता है तो देखो डी एच बराबर डेवा एच बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी डीपी प्लस डेवा एच बटा डेवा टी कॉन्स्टेंट पी डीटी। अब हम क्या जानते हैं कि स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में जो परिवर्तन की दर है वो सीपी के बराबर होती है तो हमने क्या किया इसके स्थान पर सीपी रख दिया तो ये आ गया डीएच बराबर डेवा एच बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी डीपी प्लस सीपी डीटी। अब हम जूल थॉमसन इफेक्ट में हमने देखा कि जो जूल थॉमसन इफेक्ट है इसमें एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रहती है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है तो जब एंथैल्पी परिवर्तन शून्य है डीएच है वो शून्य है तो हमने क्या किया यहां डीएच के स्थान पर शून्य रख दिया तो डेवा एच बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी डीपी प्लस सीपी डीटी। अब इसको पक्षांतर करके सरल कर दिया तो हमारा जूल थॉमसन गुणांक का सूत्र आ जाता है माइनस एक बटा सीपी डेवा एच बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी, ये जूल थॉमसन गुणांक का सूत्र होता है तो ये हो गया जूल थॉमसन गुणांक का सूत्र। अब हम नेक्स्ट बिंदु लेते हैं
वो नेक्स्ट बिंदु है वास्तविक गैसों एवं आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक के मान क्या होते हैं। तो देखो जूल थॉमसन गुणांक के मान, अब देखो जूल थॉमसन गुणांक के मान पहले हम देखते हैं आइडियल गैसेस के लिए यानी आदर्श गैसों के लिए, फॉर आइडियल गैसे यानी आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होता है ये हम देखना चाहते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि जूल थॉमसन गुणांक बराबर क्या होता है, जूल थॉमसन गुणांक बराबर होता है माइनस एक बटा सीपी डेवा एच बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी, ये होता है जूल थॉमसन गुणांक का सूत्र। तो अब देखो एक आइडियल गैस के लिए, एक आइडियल गैस के लिए, तो देखो एक आइडियल गैस के लिए क्या होता है कि स्थिर ताप पर, एक आइडियल गैस के लिए स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर शून्य होती है। तो एक आइडियल गैस के लिए डेवा एच बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी बराबर शून्य होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सिद्ध भी करेंगे कि एक आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर शून्य होती है। तो देखो एक आइडियल गैस के लिए डेवा एच बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी बराबर शून्य होता है, यानी एक आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर शून्य होती है। तो जब इसका मान हम यहां इस समीकरण में रख देते हैं तो जूल थॉमसन गुणांक का मान शून्य हो जाता है। तो देखो जूल थॉमसन गुणांक म्यू जे टी बराबर शून्य आ जाएगा। तो देखो आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान शून्य होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। यानी जो आइडियल गैसेस होती हैं, जो आदर्श गैसें होती हैं, इन आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान शून्य होता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी आइडियल गैस को एडियाबेटिक कंडीशन में किसी पोर्स प्लग के माध्यम से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रसारित करेंगे तो उस कंडीशन में गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान शून्य होता है, और जिस गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान शून्य होता है उस गैस को यदि हम एडियाबेटिक कंडीशन में पोर्स प्लग के माध्यम से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक्सपेंड करते हैं तो उस कंडीशन में गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी गैस की ना तो कूलिंग होती है और ना हीटिंग होती है। तो ये हो गया आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक के मान, यानी आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान शून्य होता है। अब हम लेते हैं वास्तविक गैसों के लिए, तो फॉर रियल गैसेस यानी वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होता है। देखो तो हम जानते हैं कि जूल थॉमसन गुणांक म्यू जे टी बराबर होता है माइनस एक बटा सीपी
डेवा एक्स बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी। ठीक, अब देखो अभी हमने देखा कि एक आइडियल गैस के लिए स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर शून्य होती है। वहीं हम देखते हैं कि एक रियल गैस के लिए, एक रियल गैस के लिए, एक रियल गैस के लिए देखो क्या होता है, डेवा एच बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी बराबर होता है बी माइनस टू ए बटा आर टी होता है। इसको समीकरण नंबर एक ले लो और इसको समीकरण नंबर दो ले लो। यानी एक रियल गैस के लिए, एक रियल गैस के लिए डेवा एक्स बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी बराबर होता है बी माइनस टू ए बटा आर टी। अब देखो यहां ए तथा बी है वो है गैस के वांडरवाल स्थिरांक। वांडरवाल्स स्थिरांक और आर आर है वो है गैस स्थिरांक और टी टी ताप है। तो एक रियल गैस के लिए स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष एंथैल्पी में जो परिवर्तन की दर है वो बी माइनस टू ए बटा आर टी के बराबर होती है। इसको भी हम एक वीडियो में सिद्ध करेंगे कि एक रियल गैस के लिए स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष एंथैल्पी में जो परिवर्तन की दर है वो बी माइनस टू ए बटा आर टी के बराबर होती है। तो अब देखो हम इसका जो मान है, यानी डेवा एच बटा डेवा पी कॉन्स्टेंट टी का जो मान है वो इस समीकरण एक में रख देते हैं। तो देखो जब समीकरण एक में रखेंगे तब क्या आएगा, तो देखो जूल थॉमसन गुणांक बराबर क्या आ जाता है, म्यू जे टी बराबर आ जाता है माइनस एक बटा सी पी, यहां आ जाएगा बी माइनस टू ए बटा आर टी। ठीक, अब देखो इसको हम थोड़ा सरल कर देते हैं, तो इसको जो सरल करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू जे टी बराबर, अब देखो इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो एक बटा सी पी, तो ये आ जाएगा टू ए बटा आर टी माइनस बी, ये आ जाता है। तो वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान होता है एक बटा सी पी कोष्टक में टू ए बटा आर टी माइनस बी। ठीक, ये वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान होता है एक बटा सीपी कोष्टक के अंदर टू ए बटा आर टी माइनस बी। अब देखो यहां तीन कंडीशन बनती हैं, तो पहली कंडीशन क्या बनती है, देखो यदि टू ए बटा आर टी ग्रेटर देन बी, यानी 2a बटा आर टी का जो मान है वो b से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में म्यू जे टी का मान होगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक, यानी जब 2a बटा आर टी का मान b से अधिक है यानी 2a बटा आर टी ग्रेटर देन b, तो उस कंडीशन में जूल थॉमसन गुणांक का मान पॉजिटिव होगा, और जब जूल थॉमसन गुणांक का मान पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में गैस की कूलिंग होती है,
यानी गैस की क्या हो जाती है, गैस की कूलिंग होती है। गैस की कूलिंग होती है, यानी जब किसी गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान पॉजिटिव होता है और हम उस गैस को एडियाबेटिक कंडीशन में पोर्स प्लग के माध्यम से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक्सपेंड करेंगे तो उस गैस के तापमान में कमी हो जाती है, अर्थात उस गैस की कूलिंग होती है, उस गैस का शीतलन होता है, अर्थात उस गैस का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, तापमान में कमी हो जाती है। कब? जब गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान पॉजिटिव होता है तब। तो सारांश में हम कह सकते हैं कि जब किसी वास्तविक गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान पॉजिटिव होता है तो वह गैस जूल थॉमसन इफेक्ट में कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, यानी उस गैस का जूल थॉमसन प्रभाव में कूलिंग होगी, यानी शीतलन होगा, यानी उस गैस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो ये हो गया पहली कंडीशन। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये हो जाती है यदि बी ग्रेटर देन टू ए बटा आर टी, यानी जो बी है, बी का मान है वो 2a बटा RT से अधिक है, यानी b ग्रेटर देन 2a बटा RT, तो उस कंडीशन में देखो इस j का मान क्या हो जाएगा, यानी b का मान है वो 2a बटा RT से अधिक है। तो जब b का मान 2a बटा RT से अधिक है तो जूल थॉमसन गुणांक का जो मान है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। और जब जूल थॉमसन गुणांक का मान नेगेटिव होगा तो उस समय गैस की हीटिंग होगी, गैस की हीटिंग होगी, यानी जब किसी रियल गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान नेगेटिव होता है और उस गैस को हम एडियाबेटिक कंडीशन में पोर्स प्लग के माध्यम से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक्सपेंड करते हैं तो उस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी उस गैस की हीटिंग होती है, यानी वह गैस हीटिंग इफेक्ट शो करती है जब गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान नेगेटिव होता है तब, ठीक। तो ये दूसरी कंडीशन होगी। पहली कंडीशन में जूल थॉमसन गुणांक का मान पॉजिटिव तो गैस की कूलिंग होती है, दूसरी कंडीशन में जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान नेगेटिव तो गैस की हीटिंग होती है, तीसरी कंडीशन देखो यदि 2a बटा RT बराबर है b, यानी 2a बटा RT और b दोनों का मान बराबर है तो उस कंडीशन में जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान है वो शून्य होगा, ठीक। और जब जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान शून्य होगा तब गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी गैस का ताप स्थिर रहता है। यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि यदि एक रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान शून्य है तो उस गैस को यदि हम एडियाबेटिक कंडीशन में फोर्स प्लग के माध्यम से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक्सपेंड करते हैं तो उस गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ना तो गैस की कूलिंग होती है ना गैस की हीटिंग होती है। तो देखो यदि किसी रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान शून्य है तो उस कंडीशन में वह रियल गैस एक आदर्श गैस की तरह, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो यहां देखिए वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक के जो मान है वो पॉजिटिव हो सकता है,
जूल थॉमसन गुणांक का मान नेगेटिव हो सकता है और जूल थॉमसन गुणांक का मान कुछ विशेष परिस्थितियों में रियल गैस के लिए नेगेटिव सॉरी शून्य भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन जब एक रियल गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान शून्य होगा तो उस कंडीशन में वह रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह व्यवहार करने लगती है। तो यह हो गया वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक के मान, यानी हम सारांश में कह सकते हैं कि वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान जनरली पॉजिटिव होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जूल थॉमसन गुणांक का मान नेगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है। लेकिन जब जूल थॉमसन गुणांक का मान किसी रियल गैस के लिए शून्य होता है तो उस कंडीशन में वह रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। तो यह हो गया वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक के मान। तो आज हमने इस वीडियो में जूल थॉमसन गुणांक से संबंधित तीन बिंदुओं के बारे में चर्चा की। पहले हमने जूल थॉमसन गुणांक की परिभाषा देखी, यानी परिभाषा के बारे में जाना। फिर हमने जूल थॉमसन गुणांक के लिए सूत्र स्थापित किया और तीसरे बिंदु में हमने जूल थॉमसन गुणांक का जो मान है वो वास्तविक गैसों के लिए कितना होता है और आदर्श गैसों के लिए कितना होता है ये हमने जाना। तो अब आप असाइनमेंट के रूप में एक क्वेश्चन नोट कीजिए। तो आप क्वेश्चन लिखिए, जूल थॉमसन गुणांक को परिभाषित करते हुए आदर्श गैस एवं वास्तविक गैस के लिए इनके मान बताइए। दोबारा सुनिए, जूल थॉमसन गुणांक को परिभाषित करते हुए आदर्श गैस एवं वास्तविक गैस के लिए इनके मान बताइए। जय हिंद, जय भारत।